हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग सुना होगा, आपने इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग सुना होगा, लेकिन ये मार्जिनल ट्रेडिंग क्या होती है, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ये एक बिगिनर के लिए वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। तो इसके बाद हम जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो एडवांस कोर्स के स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे ये फायदेमंद होती है, इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्जिन ट्रेडिंग है क्या। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने कोई न्यूज़ सुनी है कि किसी कंपनी के शेयर प्राइस में आगे जाकर एक उछाल आने वाला है, काफ़ी अच्छा स्विंग आने वाला है, और आप उस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदना चाहते हैं अभी और कम से कम 1 मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो फंड है वो सिर्फ 30 शेयर्स बाय करने का ही है। तो अब इस सिनेरियो में आप 100 शेयर्स हैं वो कैसे बाय करेंगे। ऑफकोर्स ये होता है मार्जिन ट्रेडिंग, ये कैसे करते हैं। अब देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग प्रोसेस होती है जिसमें एक इन्वेस्टर काफ़ी सारे स्टॉक्स को बाय कर सकता है जितना कि वो अफोर्ड कर पाए, और उसके पास जो फंड की अवेलेबिलिटी होती है अगर वो कम भी हो तो भी। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इन दिस सम हो क्या सकता है। देखिए, वो अलाउ उसको अलाउ होता है कि वो स्टॉक्स को बाइंग कर सकता है एक मिनिमल अमाउंट पे करके, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल अमाउंट। एक्चुअल अकाउंट का मार्जिनल अमाउंट ही उसको पे करना है, जैसे हम इंट्राडे में करते हैं। लेकिन इंट्राडे में ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपको 9 बजे से 9:15 से लेकर 3:30 बजे के बीच में जो पोजीशन होती है वो स्केयर ऑफ करनी होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी उस स्टॉक को रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें आपको अलाउ किया जाता है कि आप एक एक्चुअल वैल्यू वाले स्टॉक को बहुत ही कम पैसा देकर भी खरीद सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको लेने के लिए आपको एक मार्जिन ट्रेड फंडिंग, यानी कि जिसको हम कहते हैं MTF अकाउंट चाहिए। तो ये अकाउंट कौन देता है, ये अकाउंट आपका स्टॉक ब्रोकर देता है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको मेल कर सकते हैं, आप जिस जैसे जिरोधा, इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग, तो आपको ऑन द स्पॉट ही ये जो अकाउंट है ओपन करके दे देता है, तो आप उसमें भी ये बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे की अगर बात करें, तो कुछ पॉइंट्स आपके पास ऐसे आएंगे तो जिसको आपको कुछ क्लैरिटी होगी कि आपको इस चीज़ का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, ये हम सब चीज़ें आगे देखेंगे। और इसमें क्या होता है, एक मिनिमम बैलेंस होता है जिसको मिनिमम मार्जिन कहता है, वो हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने मार्जिन अकाउंट में। और ये जो स्पेसिफाई किया जाता है ब्रोकर की तरफ से, स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको कितना अमाउंट उस टाइम अपने इस मार्जिन अकाउंट में रखना है। और ये ट्रेड करने से पहले इन्वेस्टर्स को कुछ डिपॉजिट पर अपने जो भी कुछ पैसा है उसका सर्टेन अमाउंट इनके अकाउंट में जमा करवाना होता है ब्रोकर के पास। तो जो भी आप उनका पैसा यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो आपको चार्जेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो है अपना एंजल ब्रोकिंग, एंजल ब्रोकिंग में क्या होता है कि आप जैसे जैसे उनका मार्जिन यूज करते हैं तो वो एक दिन के मेरे ख्याल से 5 या 10 रुपए कुछ चार्ज करते हैं। जैसे जैसे आपका जो स्टॉक है डे बाय डे बढ़ता जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ वो परसेंटेज चार्जेस करते हैं। तो ये आपको जो आपका अकाउंट होगा, अकाउंट होल्डर होगा, या फिर जिसको हम कहते हैं ब्रोकर होगा, वही आपको बता पाएगा कि उन्होंने उनके इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है। देखिए, जब आपने MTF अकाउंट खुलवा लिया ब्रोकर ने, तो ब्रोकर के पास जब आप गए, आपने MTF अकाउंट खुलवाया, तो उसके बाद क्या करते हैं, आप उस MTF अकाउंट के अंदर जो ऑर्डर्स हैं उनको प्लेस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ मिनिमम मार्जिन पे करना होता है ब्रोकर को। और ये जो फंड होते हैं ये लोन्ड कैपिटल होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स को ये चीज़ें पे करनी होती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्टॉक है 5,000 रुपये, 500 रुपये का लगा लीजिए, वो आपको बाय करना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, पैसे आपके पास कम है, तो उसको कम प्राइस में लेकर, मान लीजिए आपको 500 का स्टॉक 100 रुपये में मिल रहा है, तो आपको, लेकिन जब 100 रुपये में मिल रहा है तो आपको इस चीज़ के ऊपर कुछ ब्रोकर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करेगा ब्रोकर के ऊपर वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है, एक इन्वेस्टर है जिसको परचेज करनी है 50,000 के शेयर, बट उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 50,000 के शेयर बाय कर सके। अब क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकता है, वो टोटल अमाउंट है जितना इस 50,000 रुपये का, मान लीजिए उसने शेयर खरीदनी है, ठीक है, उसका टोटल अमाउंट है उसका बाय करना है उसने शेयर, लेकिन वो उसमें से कुछ सिर्फ पेमेंट ब्रोकर को देगा, और इसके बदले में जो ब्रोकर है उसको 50,000 रुपये के वो शेयर खरीद कर दे देगा। अब कैसे, मान लीजिए जो मार्जिन है, इन केस 20% हम ले रहे हैं कि स्टॉक ब्रोकर है जो, वो 20% का मार्जिन दे रहा है, तो इन्वेस्टर ने सिर्फ 10,000 रुपये पे के, मान लीजिए 50,000 के उसने स्टॉक खरीदने थे, ठीक है,
20% का उसको मार्जिन मिल गया, तो उसने सिर्फ 10,000 रुपये पे किए, और 10,000 रुपये पे करने के बाद उसको 50,000 रुपये के वो स्टॉक खरीद सकता है, और बाकी का जितना 40,000 रुपया बचेगा वो ब्रोकर पे करेगा। तो 10,000 रुपया सिर्फ इन्वेस्टर का लगा, 40,000 रुपया आपके ब्रोकर का लगा। इसके को तो इसके लिए वो कुछ चार्जेस करेगा, वो आपको जब भी आप जिस भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाएंगे आपको टर्म एंड कंडीशन में पता लग जाएगा। इसके अलावा वही बात है कि इन्वेस्टर को एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो एक तरह से आपने ये जो उधारी लिया है उससे पैसा, तो अगर आप किसी ब्रोकर से पैसा उधार ले रहे हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देगा ही देगा, आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं ये, तो ये आपका जो ब्रोकर है वो आपको ये बता देगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, ऑफकोर्स अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पास MTF अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप ये MTF की फैसिलिटी ले सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको ना मिनिमम जो मेंटेनेंस लेवल करके रखना पड़ता है, इसलिए आपको जो ब्रोकर होगा वो आपको बताएगा कि आपका ये जो अकाउंट है आपको इसमें मिनिमम इतना बैलेंस तो रखना ही रखना है, अगर आप उससे उतना बैलेंस नहीं रखता तो जो आपकी पोजीशन है उसको वो स्केयर ऑफ भी कर सकता है। अब मान लीजिए आपने इतना बैलेंस उसमें नहीं रखा तो आपका जो ट्रेड है वो स्केयर ऑफ हो गया। अब स्केयर ऑफ हो गया तो क्या करेगा, इससे पहले आपको प्रियर स्केयर ऑफिंग आपको इंटीमेशन आएगी, आपको मैसेजेस आएंगे, हो सकता है आपको कॉल आए, ईमेल्स जरूर आएंगी कि आपका जो अकाउंट है वो जो मेंटेन करना है जितना मिनिमम बैलेंस वो कम होने वाला है, तो आप इसमें थोड़ा और फंड डालिए ताकि हम इसको मेंटेन कर सकें। अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपका जो सारे का सारा पैसा है वो स्केयर ऑफ हो जाएगा, तो और आपका जो बचा पैसा है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें ब्रोकर है वो अपना चार्जेस पूरे लेगा। और इसके अलावा अगर ये जो पोजीशन है आपकी स्क्वेयर ऑफ नहीं होगी, अगर आपने जो टाइम रहते ही उसमें पैसा और ज़्यादा डाल दिया, ये चीज़ कब होगी, सिंपल सी बात है, अगर आपने 500 का शेयर लिया है और आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो आपके फायदे के लिए, लेकिन अगर वो नीचे जाता रहेगा तो आपका जो मार्जिन है वो घटता जाएगा, अगर आपका मार्जिन घट रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको उस अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे। अगर आप उस अकाउंट में पैसे डालेंगे तो आपका जो जो स्क्वेयर ऑफ होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, और इससे जो मिनिमम आपको मेंटेन करके रखना है बैलेंस वो आपका मेंटेन रहेगा। रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इस चीज में, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए अब ये बिल्कुल डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, दो धारी तलवार जिसको हम कहते हैं, ये वैसा है। कैसे, क्योंकि देखिए इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें आपको लॉस भी हो सकता है, तो यहाँ पे ग्रेट चांस है डेट यू एंड अप विद लूजिंग मोर देन यू इन्वेस्टेड। क्यों, क्योंकि देखिए तरह तरह के स्टॉक्स होते हैं, कोई पता नहीं कब स्टॉक कहाँ पर कैसे रिएक्ट कर जाए, रातों रात कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए या फिर ग्लोबल कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिससे स्टॉक मार्केट के ऊपर असर पड़े, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आपको जितना प्रॉफिट लेना आप उतना लेकर एग्जिट कर सकते हैं एक छोटा सा मार्जिन देकर, लेकिन अगर आपको लॉसेस में चला गया तो आपको वो डबल नुकसान है, एक तो आपके स्टॉक की वैल्यू जा रही है प्लस आपका जो मार्जिन है वो भी कम हो रहा है। मिनिमम बैलेंस तो आपको मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा इसमें, अगर आपने की एक पोजीशन ओपन हो गई है, किसी स्टॉक को आपने खरीद लिया है और आपने कम उसमें आपने जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं किया, तो आपको फिर वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा या इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। अब अगर कुछ ऐसा केस होता है जिसमें आपका जो बैलेंस है वो मिनिमम लेवल के नीचे चला जाता है, तो ब्रोकर आपको इंटीमेट करेगा कि आप अपना जो मिनिमम बैलेंस है आप उसको मेंटेन कीजिए, अदरवाइज जो आपकी पोजीशन है वो स्केयर ऑफ कर दी जाएंगी, और अगर आप अनेबल रहेंगे तो वो आपको फोर्स कर सकते हैं कि या तो आप अपने शेयर कुछ शेयर्स को बेच दीजिए, ठीक है, अदरवाइज आप अपना जो जो आपका अकाउंट है उसमें पैसे डालिए। इससे क्या था, इससे जो मिनिमम बैलेंस है वो आपका मेंटेन रहेगा। दो ही सिनेरियो होंगे, या तो आपको कहेगा कि आपके जो स्टॉक्स हैं ज़्यादा हैं आप इसमें से कुछ बेच दीजिए ताकि आपका जो मार्जिन अकाउंट है उसमें पैसे आ जाएं। सेकंड थिंग ये कि अगर आपको ये नहीं करना और आप इंटीमेशन मिलने के बाद भी आप ये नहीं कर रहे तो वो क्या करेंगे, आपकी जो पोजीशन है उसको स्क्वेयर ऑफ कर देंगे, अपना जो उनका अमाउंट बनता है वो लेकर बाकी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और लिक्विडेशन, आप देखिए कई बार ऐसे होता है कि इन्वेस्टर है तो वो ये चीज़ें फेल हो जाता है, ये सब चीज़ें करने में, मार्जिन ट्रेड टर्म्स को फॉलो करने में या जो टर्म्स एंड गाइडलाइंस होती हैं उसको फॉलो नहीं कर पाता, उसका लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो इस चीज़ को वो नहीं एक्सेप्ट कर पाता। तो इसमें क्या करता है, देखो ब्रोकर के आदमी है सारा कुछ, क्योंकि आपका उसके साथ एक एग्रीमेंट हो रखा है, उसने तो अपने पैसे लेने हैं, उसने अपने इंटरेस्ट भी लेना है, उसने अपने मार्जिन का पैसा भी निकालना है, तो अगर आपका लॉस हो चुका है और आप तब तक नहीं निकल रहे तो आपकी पोजीशन केयर ऑफ कर देंगे, और आपका जितना भी पैसा बनेगा वो जितनी भी आपकी एसेट्स होंगी जो भी स्टॉक्स हैं आपके पास उसमें से जितनी भी उनकी रिकवरी होगी वो अपने पास रख लेंगे और बाकी आपको वापस कर देंगे। अब लास्टली टिप्स क्या हैं मार्जिन ट्रेड प्रैक्टिस करने के लिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको इन्वेस्ट कॉशियसली करना पड़ेगा,
वो कैसे? देखिए, अगर आपने प्लान किया है थ्रू मार्जिन ट्रेडिंग, तो सबसे पहले तो आपको इसके फीचर्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में पता होना जरूरी है। जब भी आप ये अकाउंट खुलवाएंगे तो आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कितना चार्जेस लगेंगे, मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ेगा, अगर आप इतना नहीं रखते हैं तो कितने चार्जेस होंगे, स्क्वेयर ऑफ के कितने चार्जेस होंगे, ये सभी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले ही बताई जाएंगी। और बाकी जब आप उस चीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कोई स्टॉक बाय कर लेंगे, तो उस टाइम भी आपको बताया जाएगा कि इतने का आपने स्टॉक बाय किया है, इसका मिनिमम बैलेंस आपको इतना रखना है, अगर आप नहीं रखते तो आपका स्क्वेयर ऑफ हो सकता है या फिर आपका इतना इतनी परसेंट की पेनल्टी पड़ सकती है। और जो मार्जिन ट्रेडिंग होती है उसमें प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। अगर आपके फेवर में जा रही है मार्केट तो ऑफकोर्स आपको काफ़ी बेनिफिट है इस चीज़ का, क्योंकि आपने 10,000 रुपये में 50,000 के शेयर खरीदे हुए हैं, और आपके फेवर में जा रही है मार्केट तो आपको काफ़ी काफ़ी फायदा है, इसमें आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसके विपरीत हो गया कुछ ऐसा कि लॉसेज हो गए, तो फिर आपको इसके लिए काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अगर आप सिर्फ थ्रू मार्जिन ट्रेडिंग के ही थ्रू कर रहे हैं और आपके पास जो कैश है इनफ है, तो ही आप इस चीज़ को कीजिए। अदरवाइज क्या होता है, देखिए, आपके पास मान लीजिए आपने 50 या 10,000 रुपये में 50,000 के स्टॉक तो ले लिए, लेकिन हो सकता है कि वो जो जो स्टॉक आपने खरीदे हैं वो थोड़ा रिवर्स हो जाए। रिवर्स होने से वहां पर तो एक स्पेसिफिक आपको लिमिटेशन दी गई, अगर इस लेवल से स्टॉक नीचे गया तो हम आपका जो अकाउंट है वो स्केयर ऑफ कर लेंगे। तो इसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसे कुछ होने चाहिए। अगर अब वो लेवल पर आ जाता है स्टॉक, तो आप उसमें अपनी तरफ से कुछ और पैसे डालें, ताकि आपका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है आप उसका वो मेंटेन कर पाएं। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान में रखनी पड़ती है। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपको एक ही बारी में बाय नहीं कर लेना। अब आपने सोचा कि आपको एक स्टॉक मिल रहा है, एक स्टॉक है, आपको लग रहा है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आने वाली है, आपके पास 50,000 रुपया पड़ा है और आपको लग रहा है कि ये मेरे को 2,50,000 का ये शेयर 50,000 रुपये मिल जाएंगे, और आपने सारे पैसे उसी में ही डाल दिए, तो फिर ही आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर वो स्टॉक ना बढ़ा, स्टॉक की वैल्यू गिर गई, उसमें कुछ ऐसा हो गया जिससे कि वो स्टॉक नीचे गिर जाए, तो आपका सारा पैसा भी चला जाएगा, प्लस आपको मार्जिन कॉल का जो मिनिमम बैलेंस है वो भी नहीं आप मेंटेन कर पाएंगे, आपको पेनल्टी पड़ेगी वो अलग, आपका शेयर प्राइस का जो जो प्राइस हुआ वो नीचे गिरा वो अलग, और इसके अलावा जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी पड़ेगी वो अलग देनी पड़ेगी। सो फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टॉक फॉल हो जाता है एक सर्टेन परसेंटेज के, तो इसके लिए आपको जो ह्यूज लॉसेस है वो आप इससे बच जाएंगे। अगर आप अपनी पूरी जो कैपिटल है वो नहीं लगाते, आपने थोड़ी कैपिटल लगाई है और आपका जो स्टॉक है एक सर्टेन परसेंटेज तक गिर गया है, तो इससे आपको जो बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं वो एक ही बारी में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कम पैसे उसमें लगाए हैं। सो अगर आपको अपनी ग्रेजुअली जो पोजीशन है उसको बिल्ड करना है, तो आपको मार्केट को एक्सेस करते हुए ही उसमें प्रोग्रेस के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। कि जैसे कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ऊपर जाएगा या एकदम से ऊपर जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपको उसमें पैसा एक बार नहीं डालना, पैसा आपको धीरे धीरे डालना है। धीरे धीरे डालेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, अगर आपके लॉसेज होंगे तो वो भी आपके कम होंगे, प्रॉफिट तो आपका हो ही रहा है। आप उसमें पैरामीडिंग कर सकते हैं, लाइक एक स्पेसिफिक लेवल पर जब आपको लगे वहां पर पहुंच गए, वहां पर आप थोड़ी सी और उसमें बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको पैरामीडिंग करके भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही बारी में सारे का सारा पैसा उसमें नहीं लगाना। इससे क्या होगा, इससे आगे तो आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस होगा, और प्लस आप अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। आपको ये पता चल पाएगा कि आपका रिस्क कितना लिया था आपने और रिवार्ड आपको कितना मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एट द एंड यही बात है कि जो मार्जिन ट्रेडिंग है, इसमें आपको ब्रोकर की तरफ से एक अकाउंट दिया जाता है, उसमें आपको एक मार्जिन दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 50,000 के शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो वो आपको 10,000 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मिनिमम बैलेंस उसमें रखना पड़ता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आपका जो जो शेयर है वो उसको स्केयर ऑफ कर दिया जाता है और आपकी पोजिशन को कट कर दिया जाता है। सो इसलिए इसकी मेन टिप यही है कि आप सारे का सारा पैसा उसमें ना लगाएं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो उसमें से आप सिर्फ 10 या 20 हज़ार रुपये लगाएं, जिससे कि आपको 1 लाख तक के शेयर मिल जाएंगे। बाकी आप ऐसे रखें कि अगर आप वो जो प्राइस है उस स्टॉक का, अगर वो नीचे आ गया और आप उनको थोड़ा एवरेज करना चाहते हैं, तो उसमें से थोड़ा पैसा डालिए, तो इससे आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो भी बना रहेगा और आपका जो MTF अकाउंट है वो भी सेफ रहेगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।